वर्कशॉप so फैक्ट्री uh, uh -huh. है तो ये एक 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 तरह से for example, एक है जो हम बना रहे हैं तो uh -huh. तो अगर आप देखोगे इसको देने के लिए डबल इस, प्लाई? हाँ जिसमें भी हमने कार में भी डबल प्लाई यूज किया है होने को ये सिंगल प्लाई में भी हो सकता था बट ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है डबल प्लाई से uh -huh. इसलिए हमने नीचे तक पूरा डबल प्लाई यूज किया है Hmm. अच्छा ये वो बोर्ड है दिस दिस इज इज ओके सो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लॉक बोर्ड के बीच में और एच डी एच एम आर बोर्ड के बीच में दोनों को बोर्ड बोलते हैं बट ये बोर्ड वहाँ यूज होता है जहाँ पे आपका बेंडिंग इशू ना आए फॉर एग्जाम्पल वार्ड्रोब के शटर्स में इन सब में हम एच डी एच एम आर बोर्ड का यूज करते हैं फ्लश डोर्स में उसमें अब किसी ने आपको हाँ, तो बोर्ड सब बोर्ड बोलते हैं बट ब्लॉक बोर्ड और फर्क है फॉर एग्जाम्पल एक ये बेड हम एक और बना रहे हैं ये भी बहुत आ, फेमस डिजाइन है जिसमें बीच में प्लेट्स हैं और साइड में डायमंडिजाइन होता है अच्छा किसी का ऑर्डर का है बिल्कुल इसमें तो डबल फैब्रिक नहीं लगा होगा शुभम नहीं ये सिंगल फैब्रिक में है अच्छा, आप चाहो तो डबल फैब्रिक, फैब्रिक, फैब्रिक है ना इसमें हाँ जी इसके नीचे भी ये फैब्रिक कंटिन्यू होगा ना ये वाला हाँ। नहीं नहीं ये प्लीट्स है इसके नीचे फैब्रिक नहीं होगा नहीं खाली होगा वो हो। हाँ हाँ अच्छा जी तो दिस इज द सिंगल फैब्रिक वी हैव यूज तो इसमें कोई गैप नहीं है तो दिस इज अ सिंगल फैब्रिक प्लीट और यहाँ पे ये वाला जुमा है Okay. Hi, Shubham. Hi, sir. How are you? I'm doing fantastic. Welcome back to Club hai. Thank you so much, and welcome to Whims and Fancies. Thank you very much. This punk is being transformed from one radio jockey to another radio jockey. You sound more like a radio jockey because radio jockeys are, are coming to you. <laughs> <laughs> you know who yes. I'm talking about? Yes. Okay. So, uh, my name is Shubham. Mm. I'm an architect.

एस्थेटिक्स का स्पेशल ख्याल ख्याल रखते हैं हम लोग एंड कॉस्ट जो है वो हमारी वैरी करती है मतलब जनरली फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कॉस्ट लोगों की वेरी करती है अलग अलग कॉस्ट में लोग बनाते हैं लेकिन आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रखते मतलब आपका अगर एक बेड है जिस प्राइस में उसी प्राइस में आप बनाते हैं बिल्कुल फ्रॉम स्टार्टिंग टिल अभी तक इन्फ्लेशन uh, के साथ जितना भी हमें प्राइसेस बढ़ाने होते हैं हम वो बढ़ाते हैं बट क्वालिटी और प्राइसिंग आप कह सकते हैं कि हमारी ऑलमोस्ट सेम रही है बिकॉज वी आर ऑन द वे टू बिल्ड अ ब्रांड अच्छा तो जब भी आप ब्रांड बना रहे होते हो तो आप uh, इतना वॉलेटाइल नहीं हो सकते कि आप छह हजार रुपये सीट भी बेच रहे हो और चालीस हजार रुपये सीट भी बेच रहे हो सो आपको एक फिक्स uh, करना पड़ता है क्वालिटी भी और प्राइसिंग भी तभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ सिंस फाइव ईयर्स और सिंस टेन ईयर्स दीज आर सेलिंग दिज प्रोडक्ट फॉर दिस प्राइस तो ब्रांड बनाने के लिए भी हमें सेम प्राइस और सेम क्वालिटी मैच करनी पड़ती है एवरी टाइम एंड अभी फिलहाल जो मैं आपसे बोल रहा था एक बार हमें क्लियर कर देंगे how, how to place order with us. Hmm. Okay, बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सेंड यूर कटेलॉग एंड प्राइसेसॉग एंड वी डोंट हैनी कैटलॉग विध प्राइस वी आर इन टू कस्टमाइजेशन सो इट डिस कैसे काम करता है, है इंस्टाग्राम पेज Hmm. By the name विम्स डॉट फैंसीज डब्ल्यू एच आई वहां पे आप जाके जो जो हमने बनाया हुआ है अभी तक वो सब देख सकते हैं रियल पिक्चर्स उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं can यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम गूगल और you एंड यू कैन सेंड द पिक्चर ऑन व्हाट्सएप ऑन number नंबर टू प्लेस order मैं आपको प्राइसिंग बता दूंगा एंड देन यू कैन प्लेस done We have done multiple videos, many videos are already shot here yes. and in previous videos we have featured your factory. Yes. We have been interacting with you multiple videos. In fact, two and a half years ago we started the journey. Yes. With you. Yes. And you were based out of Noida, now you are in Delhi. Yes. I request all of you viewers please go down, scroll down and you will understand the kind of uh, workmanship, the kind of hard work Bilkul. and the kind of materials being used in Bilkul. making these kind of furniture units. Bilkul. And trust me like

ठीक yes. है best, we make yes. a new, uh, new बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी शूट किए हैं साथ में बिल्कुल तो वी हैव बीन डूंग प्रोजेक्ट्स बट हमारा मेन फोकस फर्नीचर में रहता है तो इसलिए फर्नीचर uh, हम ज्यादा शोकेस करते हैं ठीक है चलिए फर्नीचर दिखाते हैं अभी शॉप सो विल स्टार्ट शोइंग टू अव्यूर्स क्योंकि बेड bed आपके बेडरूम का सबसे बड़ा फर्नीचर यूनिट होता है बिल्कुल तो आपको एस्थेटिकली भी ध्यान रखना होगा एट द सेम टाइम आपको क्योंकि यूज में भी सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से बेड आता है हाँ सोफा जा। से ज्यादा भी आप बेड यूज करते हैं बिल्कुल तो उसकी यूटिलिटी भी आपको ध्यान रखनी होगी बिल्कुल कौन यूज़ कर रहा है कैसे यूज हो रहा है क्या एस्थेटिक्स हैं किस तरह का थीम आप अपने रूम में क्रिएट कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं तो मोस्टली तो आपसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन इनकेस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ यू डू नॉट रिमेंबर दिस वी विल विल ट्राई ट्राई टू टू फिगर आउट एंड इंसर्ट दैट पीस ऑफ नॉटर सो इस वीडियो में हम बहुत सारे बैट्स दिखा रहे हैं जितने भी हमारे पास हैं सो so, mm. जो भी व्यूअर थोड़ा जिनकी बैट्स के रिक्वायरमेंट हैं और जो देख रहे हो वो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज वी हैव मोर डिजाइन ऑन इंस्टाग्राम यस चलिए ठीक है डन सो हमारे बैट्स में आपको मेटल वर्क थोड़ा कम मिलेगा बिकॉज वी डोंट प्रेफर यूजिंग मेटल सो मच हम बहुत कम मेटल यूज करते हैं ठीक है एंड बेड्स uh, का जितने भी डिज़ाइंस हैं जो भी uh, कुछ हम खुद डिज़ाइन करते हैं कुछ पिंट्रस्ट पे जो भी फेमस डिज़ाइंस होते हैं पिंट्रस्ट के हम वो बनाने की कोशिश करते हैं और जितना क्लोज और कितना अच्छी फिनिशिंग के साथ हम बना पाएँ uh, उसकी कोशिश करते हैं ठीक है डन दिस पर्टिकुलर बेड अब हम बहुत दिन बाद फिर से हम रिफ्रेश कर रहे हैं कि हम अब नॉलेज शेयरिंग भी करेंगे बिल्कुल दिस बिलोंग्स टू contemporary modern style yes this is not mid century classical vintage Here, fir koi aur tarah ka nahi hai this is modern this will perfectly go with the all in all the homes that has been following a modern scheme Bilkul. lot of veneers back paneling and all that you are trying yes, yes right yes, yes. give ek apne indication diya Material के बारे में हमने Instagram पे बताया था Quickly क्योंकि ये फर्स्ट पेड है इसमें सबसे ज़्यादा important होता है कि हम जो जो हम जिसके बोर्ड यूज करते हैं जो हम जो बॉक्सेस बनाते हैं वो किस में बनाते हैं हम प्लाई यूज करते हैं 18 mm प्लाई अच्छा सो so, अगर मैं बॉक्सेस की बात करूं, सो so, हमारे बॉक्सेस लैमिनेटेड होते हैं 100, 100 हुँ. आपको फ्रंट हाइड्रोलिक आता है जी right. राइट फैब्रिक फिनिश का हम ये है इसके बिना हम नहीं बनाते यस yes. बिल्कुल ओके okay. क्योंकि हमने अपनी क्वालिटी सेट की हुई है सो so hmm. हम क्वालिटीज बढ़ा सकते हैं बट डिग्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल ठीक बात सो वी वी हैव लैमिनेट लैमिनेट इसको हम बर बोलते हैं इंटरनल hmm. पूरा लैमिनेट है आप अगर देखोगे तो एटीन एम एम प्लाय है hmm. अगर मैं साइट्स की बात करूं तो साइट्स भी प्लाई पे ही बने हुए हैं hmm. अगर मैं हेडबोर्ड की बात करूं तो हेडबोर्ड भी एटीन एम एम प्लाय पे बने हुए हैं ठीक है सो फॉर एवरी सोफा दिस स्पेसिफिकेशन इज सेम सेम स्टैंडर्ड

is six to 6.5 is the size of a king yes, size bed. Yes, the mattress size is 78 by 72 inches which is uh, 6.5 by 6. Alright, in case you are running short of time, you can always get in touch with Shubham. They will arrange you the mattress as well. Did I offer too much? Uh, mattress? We don't yeah. give mattress. We just give beds. Dropping jaws, you can't see me but I am disappointed. But <laughs> there are other friends of mine, those who are selling mattresses, you can get in touch with them. Yes. Alright. What is the cost hai? We are selling it for 67.

एटीन एम एम प्लाई है फ्रंट हाइड्रोलिक है एंड hmm. अगर मैं ईयर्स की बात करूँ तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने ओवरलैप किया था hmm. इसमें हमने साइड बाद में शुरू की है hmm. एक डिजाइन होता है जिसमें यहीं पे खत्म हो जाता है एंड hmm. इसमें जो अगर मैं बैक की बात करूँ तो थोड़ा सा स्लान है सो so दैट आपको जब भी सपोर्ट मिले तो आपको थोड़ा सा टेपर जब भी होता तो यू फील मोर कम्फर्टेबल एंड ये पूरा पूरा फॉर्म है सो दिस इज मोर कम्फर्टेबल ओके डन इसके साथ जो फैब्रिक्स में यूज हुआ है वो है स्वीड दिस इज नॉन शेडेड स्वीड नॉन शेडेड यस ओके ठीक है डन बेड uh, के पीछे लगने वाले फैब्रिक्स हैं उसके बारे में भी लोगों के अनुमान होते हैं बिकॉज़ इट हैज टू बी अ गुड ड्राफ्ट काउंट मटेरियल अदरवाइज इट मे वेयर आउट लिटिल फास्टर सो जोबिया मार्टेंडेल यूज करते हैं व्हिच इज क्लोज टू मोर देन 35000 मार्टेंडेल होता है ओके okay. यस yes.

कॉस्ट को लेके लोग आपको कैसे रिएक्ट करते रहे लोग आपके कॉस्ट को कैसे पाते हैं सी फर्स्ट ऑफ ऑल लैमिनेटेड बेड्स बहुत कम लोग बेच रहे हैं ऑलमोस्ट hmm. लोग क्या करते हैं कि जो कीर्ति नगर में रेडीमेड बॉक्सेस बन के मिलते हैं वो उठा लेते हैं हेडबोर्ड फुटबोर्ड लगा के साइड पॉलिश करके दे देते हैं सो hmm. so, वो बॉक्सेस ब्लॉक बोर्ड के होते हैं एज वी मैं सो ये हम प्रॉपर पूरा रॉ से बनाते हैं hmm. शन को कोल्ड प्रेस करने से लेकर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने से लेकर कपड़े तक वो सारा हमारे खुद की फैक्ट्री में होता है और इसी बिल्डिंग में होता है जो हमे... So जो यू कैन कम एंड एंड सी द प्रोडक्ट इन आउट बिल्कुल बिल्कुल वीडियो में हम में हम शुरू दिखाया था राइट ठीक right. है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने शुरू में हाँ, बताए थे सो so, और जो भी लेमिनेशन जो दे भी रहा है तो वो एट्टी थाउजेंड से अबा भी जा रहा है जो भी अलेमिनेशन वाले बॉक्सेस वाले बेड्स आ रहे हैं सो मेरा रेंज तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से भी नीचे है

So okay, okay. इसमें हमने जो शेड यूज किया है ना दिस इज वेरी रेयर शेड आपने बहुत मतलब आई डोंट थिंक इस शेड में आपने कभी बेड देखा होगा नो, आई सीन दिस। तो ये बहुत प्यारा और बहुत आ, अच्छा शेड जो हमने यूज किया है फॉर दिस बेड थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है बट hmm. uh, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बिल्कुल I think shade में कोई problem नहीं है. Fabrics को problem हो सकती थी अगर आप इसमें शाइन वाला लेते. तो हमने इसको शाइन वाला नहीं लिया इस है, इस है हमने हाँ अदरवाइज ये, हा, ये क्या होता है जब भी इस तरह के डिजाइन एंड पैटर्न क्रिएट करते हैं आप स्टिचिंग से बिल्कुल तो दीज काइंड ऑफ ब्लॉक्स एंड काइंड ऑफ पैटर्न दे मेक वेरी वाइब्रेंट एंड डिजाइन yes. so तो uh. right, तो hmm. hmm. बना के और वही हमने फ्रंट में किया है अगेन इसमें लैमिनेशन बॉक्स है फ्रंट हाइड्रोलिक है जी. और लैमिनेशन से ना बड़ा क्लीन हो जाता है right. और एक लैमिनेशन का एक और है कि ये आपका टर्माइट प्रूफ हो गया बिकॉज एक बार एक प्लास्टिक शीट लग गई hmm. प्लाई पे तो एक तरह से आपका टर्माइट प्रूफ हो गया बिल्कुल एंड बड़ा क्लीन लगता है

अब एक चीज़ आप हमें बता दें कि बेड के आसपास जो भी हम फैब्रिक यूज कर रहे हैं बीट स्वेट कॉटन और वो एक तो पैरामीटर होता है कि आप पूरे थीम के हिसाब से फैब्रिक लेते हैं जैसे लग्जरी सेगमेंट में सारे स्वेट लेना है क्लासिकल तो थीम में थोड़ा आपको स्वेट लेना सॉरी कॉटन जूट लेना, 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 लेना है है ना और आपको थोड़ा सा टैलिन स्टाइल में जा रहे हैं तो लेदर या फिर लेदर एड लेना है तो क्या यूटिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन यूज़ कर रहा है कितने एज ग्रुप के लोग यूज़ कर रहे हैं कितना फ्रीकवेंटली यूज हो रहा है फैब्रिक का डिसीजन ट्रू राइट हाँ, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा चलिए हम डिजाइन के बारे में भी बात करेंगे आगे कि किस तरह से आप डिजाइन चूज करें हेडबोर्ड का साइज कैसे चूज करें और साइड बोर्ड्स और यानी टेबल्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपके पास साइड टेबल्स हैं? रेंज में है बेड फॉर uh, 62 62000 रुपीस yes. चलिए नेक्स्ट

यस yes, वास्तु के हिसाब से स्टोरेज होता है बट आजकल अगर मैं प्रैक्टिकल नीड की बात करूं तो फिर उतना ही इम्पोर्टेंट भी yeah, so thing. Thing. Yeah, totally taste, है स्टोरेज बिकॉज यू नीड स्पेस इट्स वेरी डाइसी थिंग टोटली सब्जेक्टिव टू योर टेस्ट है बिल्कुल ठीक है डन दिस इज विदाउट स्टोरेज है और इसका जो हाइट है उतनी ही होती है बेड की जितनी बाकी बेड्स की है बिल्कुल फोर फिट okay. नहीं अगर हेडबोर्ड की बात करूँ तो फोर फीट है बट अगर मैं वैसे उसकी बात करू सिटिंग की तो सिटिंग जर्नली थोड़ा सा लो होता है

एक फिट का गैप है ना तो वो फर्क पड़ता है अदरवाइज स्टैंडर्ड साइज आते हैं बेड्स में दो किंग आता है क्वीन आता है दोनों के प्राइसेस सेम होते हैं हाँ, किंग लो या क्वीन लो किंग का मेट्रो साइज होता है साढ़े छे बाय का मेट्रो साइज होता है साढ़े छ बाय पांच तो इन केस अगर आप किंग से कुँण, कुँण से किंग करा रहे हैं और आपको शुभम बोल रहे हैं कि आप प्लीज ये डिजाइन इसमें कन्वर्ट ना कराएं कोई और हाँ। दूसरा डिजाइन लें तो जस्ट पे अटेंशन बिकॉज एज किंग साइज वाला बेड डिजाइन जरूर नहीं है ओके okay. जैसे अभी हम पीछे देख रहे थे ना वो जो वाइन कलर में था वो मुझे लगता है कोई साइज में थोड़ा अजीब सा लग सकता है इसका प्राइस बताते हैं दिस वी आर सेलिंग इट फॉर फोर्टी टू इज दर पी विउट स्टोरेज ओके ठीक है कुछ और मॉडर्न कंटेम्प्री स्टाइल के हम अभी बैठ देखेंगे हाँ वे? सो हम जितने भी दिखा रहे हैं आजकल आज वीडियो में सारे मॉडर्न ही हैं डिजाइन सो so, एक सामने आपके ये है जी ये भी हमने एक इम्पोर्टेड डिजाइन था उसी को इंस्पायर होते हुए हमने ये बनाया था थोड़े से हमने खुद चेंजेस किए हैं जी

राइट right. दूसरा हम ये कह रहे हैं कि काफी सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कलर है है, कॉम्बिनेशन हाँ, से आप करा सकते हो, ये आप रिमूवेबल ले सकते हो अगर आपको ये फ्लैप आपको थोड़ा सा और मोटा चाहिए थिक चाहिए हुँ. तो आप वो भी करा सकते हो आपको पार्टीशन चाहिए फ्लैप में वो भी हो सकता है एनीथिंग कैन बी डन ओके मोस्टली आई थिंक दिस बेड गोइंग इन बॉयज बेडरूम थोड़ा सा क्या तो ये ट्रेंडी स्टाइल में है बिल्कुल, बिल्कुल, okay, है 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 बिल्कुल बिल्कुल इट्स अ इंपोर्टेड डिजाइन ओके डन प्राइस इसका 55. <laughs> अच्छा ठीक लिटिल कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इफेक्टिव भी हमारे पास बहुत है. अगर है. मैं बॉक्सेस 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 की बात करूं, तो मेरे सिर्फ का अमाउंट बेड बाइंग की हमने शुरू में कहा था कि हम बताएंगे कि कैसे बेड्स को परचेज करें तो काफी सारे फैक्टर्स होंगे जैसे थीम है साइज है कलर है स्कीम है इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि क्या आप वॉल की पैनलिंग कर रहे हैं और आपका रूम का साइज क्या है बिल्कुल अगर आपका रूम साइज बहुत बड़ा है तो आप वॉल की पैनलिंग बहुत स्ट्रांग करते हैं बहुत बोल्ड बनाते हैं पीछे खूब सारा डिजाइन एंड आइडियाज करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है सटल सोबर सिंपल बेड की बिल्कुल क्योंकि अगर आपने हेडबोर्ड को बहुत हाँ अगर आपने पीछे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा विनियर्स और मेटल यूज़ हुआ है, तो आपको इस तरह के सिंपल सोबर बेड्स रखने चाहिए जो कि ऑपोजिट हो। बिल्कुल। अगर ये भी बिजी हो जाएगा तो बहुत खराब दिखाई देगा बिल्कुल। right? okay. ये मास्टर बेडरूम के लिए बनाया अगेन ठीक है ऑल हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस सारे सेम होंगे बिल्कुल इसमें अगर आपको साइड टेबल देनी होगी तो क्या किस तरह का साइड टेबल देंगे आप स्ट्रेट लाइन वाला नहीं पॉलिश वाला वो तो लैमिनेट और पॉलिश आप कोई भी ले सकते हो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिजाइन क्या आप स्ट्रेट लाइन डिजाइन लोगे तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है

प्राइस की बात करें तो ये कितने का था दोनों 55000 के हां huh? बोथ आर 55000 55000 rupees each यस ओके अननेसेसरली वी हैव बीन क्रिएटिंग अ हाइप वी हैव बीन सेइंग दैट ओके एक्सपेंसिव नॉट नेसेसरली दैट इवन क्वालिटी कैन बी आपको गारंटी दूंगा विद लेमिनेशन विद हाइड्रोलिक किंग साइज बेड एंड बजर पॉलTRY This kind of finish, 100%. definitely it is worth it. 100%. Okay, so that's all for now, right? Yes. Okay Shubham, time to say goodbye. Before yes. we sign out, once again we request all the viewers, if you have any design in your mind or you can download from internet, 100%. we promise good delivery. 100%, just uh, transfer, just trans, sorry, again. I <laughs> know, I am going to keep it like this. Send you this, WhatsApp me those images. Just no no share. i'm going to keep like this oh hey, right. okay so what are they supposed to do download some images in case you want Haan, to get jo some pictures and just forward me the pictures Haan. i'll help you with the prices all right and same can be done mm -hmm. and if you want to see the real pictures go to our instagram page and you can, you can see all the designs mm. uh, jo humne already done or uh, i think that's all for now and uh, besides beds we make almost everything yes. we make wardrobes

चलिए तो क्या प्राइस रेंज है इसका uh, this is 19, each. Okay. जिस तरह से बेड्स के कुछ पैरामीटर आपने सेट कर दिए थे उसी तरह से हम बता दें सोफास का हमारा स्टार्टिंग रेंज क्या है से है और हमारा मैक्सिमम क्या जाता है Close to 13, 14, 15.

फोर हंड्रेड रुपीज पर मीटर का अगर आप फैब्रिक यूज करें एक सीट में आपको थ्री मीटर्स लगता है सोमियस ओके अप्रोक्सीमेटली पंद्रह सौ रुपए का आपका फैब्रिक लग रहा है अगर आप अपना फैब्रिक लेके आते हैं और शुभम को दे देंगे तो शुभम हम पंद्रह सौ रुपए माइनस करके आपके फेब्रिक में उसको बना देंगे फॉर दी प्रोजेक्ट जब हम प्रोजेक्ट करते हैं इंटीरियर प्रोजेक्ट्स तो उसमें तो हम खुद ही फैब्रिक सोर्स करते हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच विल सी यू वेरी सून शॉक फिर जल्दी मिलेंगे मच